हाय फ्रेंड्स, चौधरीज किचन में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी मसाला ड्राई। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप उस लाल सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप ऐसे ही कई स्वादिष्ट रेसिपीज के वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आलू गोभी मसाला ड्राई बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप गोभी के फूल, 1 कप उबले और कटे हुए आलू, 1/2 कप कटे हुए प्याज, 3/4 कप कटा हुआ टमाटर, सरसों का तेल, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 2 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और धनिया के पत्ते गार्निश के लिए। अब इसको बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले हमें आलू और गोभी को तैयार करना है। उसके लिए हम एक कढ़ाई या पैन गरम करेंगे और उसमें 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब गरम हो जाए तो इसमें सबसे पहले गोभी डाल देंगे, जो कटे हुए हमने रखे हैं पहले से। इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए भूनते हैं, जिससे गोभी में एक अच्छा भूरा रंग आ जाए। थोड़ा सा नमक यहाँ पे हम डाल लेंगे ताकि गोभी में एक नमकीन फ्लेवर हो। ये भूरा हो चुका है तो इसमें आलू डाल दें जो हमने काट के रखे हुए हैं। इसे भी हमें हल्का भूरा रंग आने तक भूनना है और 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। आलू में भी एक भूरा रंग आ गया है, हम इसे अलग निकाल के रख लेते हैं। एक प्लेट पे इसे निकाल लेंगे। एक साथ निकाल लेते हैं सबको। अब आलू गोभी मसाला में जो दूसरा मुख्य भाग है मसाला, उसे तैयार करने का समय आ गया है। इसके लिए हम सेम कढ़ाई लेते हैं और उसमें 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करते हैं। में 2 छोटे चम्मच जीरा और 2 तेज पत्ता डालते हैं। जब ये चटकने लगे तो हम इसमें कटा हुआ प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसे हमें लगभग 5 मिनट तक भूनना है, जब तक प्याज हल्का पक जाए। प्याज में भूरा रंग आ गया है तो हम इसमें अपने मसाले डालते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 छोटा चम्मच हल्दी। अब हमने 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अंत में कटे हुए टमाटर। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि सारी सामग्री आपस में अच्छे से मिल जाए। को कवर करके हम 5 मिनट तक पकाते हैं ताकि टमाटर जो है वो पक जाए। बस इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे
आप चाहें तो और डाल सकते हैं अगर आप इसको और तीखा बनाना चाहते हैं। सब कुछ अच्छे से मिला लें। मसाले में तेल अलग हो गया है तो ये लगभग तैयार है। इसमें बस हमें नमक डालना है स्वाद अनुसार, इसको मिला के जो भून के हमने गोभी और आलू रखे हुए हैं वो भी डाल देंगे। सारे मसालों को और आलू गोभी को हमें अच्छे से मिलाना है। इसके लिए चाहें तो 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हैं, इससे इसे मिलने में मदद होगी। ज्यादा पानी ना डालें क्योंकि हम इसमें ग्रेवी नहीं बनाना चाहते हैं। इसको अच्छे से मिला के इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें। और इसे ढक के लगभग 20 मिनट तक हम पकाएंगे जिससे कि गोभी अच्छे से पक जाए। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। चम्मच से काट के देखते हैं गोभी पका है कि नहीं। ये आसानी से कट रहा है, इसका मतलब है गोभी पक चुका है। तो अब इसे धनिया पत्ते से गार्निश करें और ये परोसने को तैयार है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।